नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं तकनीक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से बात करने वाले हैं हम काफ़ी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की कर्मागरम न्यूज़ अपडेट के बारे में। काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट की जानकारी आज फिर से आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, उसके सामने मिलता है बेल आइकन, दबाने से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है एलोन मस्क की तरफ से। उन्होंने जो है गलती से, मतलब ऐसे ही पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, अपना नंबर जो है ट्विटर के ऊपर शेयर कर दिया। और वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि मुझसे जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो वो अपना नंबर जो है यहाँ पर मतलब शेयर कर देते हैं ट्विटर के ऊपर, और बाद में वो जो है देखते हैं कि हाँ हमने मतलब ट्विटर के ऊपर ये नंबर शेयर कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर पछतावा उनको भी होता है, खुद का उनका पर्सनल नंबर है जिसे हैंडल कर दिया गया इस फोटो के अंदर, तो मुझे भी नहीं मिल पाया है कहीं से, मतलब किसी प्रकार से मैंने ट्विटर भी खोल के देख लिया, मुझे नहीं मिला, शायद वो ट्विटर डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है ब्राजीलियन फर्म की तरफ से, जो कि इंडिया में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कुछ कैमराज को लेकर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर है कि एक तो रोड है, सड़क है, उसके ऊपर कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, उन सभी को जो है ये आर्टिफिशियल कैमराज से मतलब काउंट करते रहते हैं कितनी गाड़ियां जो हैं इतने टाइम के बीच में आपसे जो है क्रॉस हुई हैं, और कौन कौन से उनके नंबर हैं, किस प्रकार से उन्हें जो है हैंडल किया जा रहा था, किस प्रकार से उनकी ड्राइविंग यहाँ पर हो रही थी, कितनी स्पीड से वो चल रही थी, ट्रैफिक के अंदर कितनी स्पीड है, और नॉर्मली जो है कितनी स्पीड में कौन सी गाड़ी यहाँ पर किस प्रकार से चल रही है, सारी की सारी जो एक्टिविटी है कैमरा यहाँ पर समझ रहे हैं। तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरे वाला सिस्टम है वो सीख रहा है, उसके चलते जो है इंडिया के अंदर ये परीक्षण किया गया। दोस्तों, यहाँ पर अगली वीडियो निकल के आ रही है रिसर्चर्स की तरफ से, जो कि काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह करते हैं, नई नई टेक्निक वगैरह निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, मतलब से या साइंटिस्ट ले लीजिए, तो समुद्र के अंदर भी इंटरनेट के लिए काफ़ी सारी फाइबर लाइंस यहाँ पर बिछाई हुई होती हैं, जिनसे एक दूसरे मतलब कंट्री से जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती रहती है। मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, इंटरनेट मतलब किसका है, इसका मालिक कौन है, इस प्रकार से जो है मैंने वीडियो बनाया था, आप मेरा पिछला वीडियो यहाँ पर जाकर दे सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये एक स्पेशल मतलब यहाँ पर सिस्टम बना दिया है, और ये सिस्टम खोज करता है सिर्फ उस चीज़ की, अगर मान लीजिए कहीं से बीच में से केबल कट जाता है तो पता नहीं चलता है कि केबल जो है कहाँ से कटा है और कौन सा केबल यहाँ पर कट गया है। अब ये सिस्टम जो है नया यहाँ पर टेक्निक निकाल दी है, इसे पता चल जाएगा कि कौन सा केबल कटा है, कितना कटा और कहाँ से जो है कटा, इतने मीटर पे, इतने किलोमीटर पे, इतनी माइल्स के ऊपर जाकर जो है केबल कट गया है, तो उसी को जो है ये ट्रेस करेगा। तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय तक जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी फैल नहीं होगी, जल्दी जल्दी जो है उसे ढूंढ कर यहाँ पर रिपेयर कर दिया जाएगा। ये सबसे बढ़िया न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है। दोस्तों, यहाँ पर अगले अपडेट निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi ने जो इंडिया में मतलब आज तक या फिर 2017 में जो मोबाइल सेल किए हैं, तो उनकी प्राइस यहाँ पर Xiaomi ने जो है रिलीज़ कर दी है। लगभग $2 मिलियन के जो है मोबाइल Xiaomi इंडिया के अंदर सेल कर चुका है। आप हिसाब लगा लीजिए कि $2 मिलियन जो हैं इंडिया के रुपए चाइना को चले गए हैं। अब 2017 का ये आंकड़ा है, तो 2018 में ये मतलब ज़्यादा होने वाला है। अब 2018 में देखते हैं कितना हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है ओपेरा ब्राउज़र की तरफ से। तो ओपेरा ब्राउज़र जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ में लेता है अपने व्यूज़ वगैरह कुछ रीडिंग वगैरह दिखाने के लिए। कितने रीडर्स जो हैं लगातार मेरे मतलब ओपेरा ब्राउज़र जो है उसके ऊपर लगातार यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो 5000% ज़्यादा ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है करके यहाँ पर दिखा देते हैं। उस हिसाब से जो है इनकी मतलब कुछ ग्रोथ वगैरह बढ़ती रहती है, कुछ इन्हें मिलता होगा ये पता नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज़ करता है। अभी इसका पता चल गया है तो इसे जो है गूगल रोक देगा। दोस्तों, यहाँ पर अगले वीडियो निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग यहाँ पर जो है अपनी एक डिस्प्ले लॉन्च कर रहा है इंडिया के अंदर, जो कि गेमिंग डिस्प्ले है, और ये है CHG90 मॉडल की ये गेमिंग डिस्प्ले है, और काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है, मतलब लंबी चौड़ी डिस्प्ले है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से दिखने वाली है। तो आज जो है इंडिया के अंदर इसे लॉन्च कर दिया गया है दोपहर 12 बजे के आसपास, मतलब 20 दिसंबर है आज, तो आज इसे लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इस डिस्प्ले को लेना चाहते हैं तो आप ये डिस्प्ले ले सकते हैं। इसकी प्राइस वगैरह तो अभी कन्फर्म नहीं थी, तो मैं आपको इस समय नहीं बता पाऊंगा, तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछ लेना, बाद में मैं बता दूंगा आपको, या फिर अपडेट कर दूंगा फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, अगले अपडेट निकल के आ रही है अमेजोन मोबाइल को लेकर, या फिर अमेजोन का जो है एक नया मोबाइल आने वाला है। अभी अभी कुछ दिन पहले जो है फ्लिपकार्ट का जो बिलियन कैप्चर मोबाइल था उसकी भी हमने बातें की थी, वो मोबाइल भी निकल के आया था, तो अमेजोन का भी मोबाइल अभी निकल के आने वाला। तो अमेजोन जो है काम कर रहा
रहा है इसको टक्कर देने के लिए एक नए मोबाइल के ऊपर जो कि अमेज़न का होगा। अभी अमेज़न ने सिर्फ इतना ही खुलासा किया है कि अमेज़न भी एक स्मार्टफोन निकाल के लेके आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर अगले अपडेट निकल के आ रही है फिर से सैमसंग की तरफ से, तो सैमसंग गैलेक्सी S9 ड्यूओ जो है उसमें मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन निकल के आई है। इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है, मतलब काफ़ी बड़ी बैटरी होने वाली है, 5000 से 6000 mAh तक के यहाँ पर रूमर्स से निकल के आ रहे हैं। अगर 5-6000 mAh की बैटरी सैमसंग के एक मोबाइल में निकल के आती है तो बहुत ही मतलब एक धमाकेदार काम यहाँ पर हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। अगर बैटरी इतनी बड़ी हो जाएगी सैमसंग के एक मोबाइल के अंदर, और एंड्रॉयड मोबाइल है और काफ़ी हम यूज़ में लेते हैं, तो पूरा दिन आराम से जो है बैटरी चल जाएगी। बस रात को चार्ज लगा कर सो जाइए और सुबह से शाम तक जो आप किसी प्रकार से उसे यूज़ में लेते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा करता हूँ दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी मैंने इस वीडियो में भी आपको दी होगी, काफ़ी कुछ न्यूज़ अपडेट की जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके सामने मिलता है बेल आइकन, दबाने से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई सवाल कोई सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।